नमस्कार। आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्र निर्माण की इस छोटी सी कोशिश घंटी बजाओ में दर्शकों का स्वागत है। आज हम देशवासियों को देश की एक ऐसी हकीकत के बीच लेकर जाएंगे जो आजादी के मूल्य को समझने में उनकी मदद करेगी। हम आजाद हैं ऐसा महसूस करने और आजादी के साथ जीने में हम स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिशों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हम हमारी रिपोर्ट में देश के सामने उन्हीं कोशिशों को रखने जा रहे हैं जो इस आजादी को बचाए रखने के लिए अपने प्राण की भी परवाह नहीं करते हैं। सुरक्षित माहौल, सुविधाजनक एयर कंडीशन स्थितियों में कैद तमाम लोग ऐसे कुतर्क करते मिल जाते हैं जो आजादी को बचाने की कोशिशों के अपमान से कम नहीं होती हैं। उन्हें आज आजादी की कीमत समझाएगा सियाचिन। राष्ट्र सम्मान के जज्बे से भरपूर होकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेहद मुश्किल हालात में एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट और बजाइए घंटी उन लोगों की जो देश का अन्न खाकर दुश्मनों को प्रसन्न करने का काम करते हैं। सच यही है देश का। जवान सरहद पर अपनी जान न्योछावर करते हैं, तभी देश की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी आजादी की सांस ले पाती है। सच यही है। तभी तो जब हम आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब देश के दो और जवान, मुरैना के नायब सूबेदार जगराम सिंह, अकोला के जवान सुमेध गवई ने देशवासियों को बचाने के लिए आतंकवादियों की गोली अपने सीने पर खा ली। लेकिन देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले प्रहरियों के बदौलत मिल रही आजादी की हवा में कुछ बयान वीरों का चुभने वाला प्रदूषण है। कई राजनेता, कुछ कथित बुद्धिजीवी, मानवाधिकार के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले कुछ लोग हैं देश में, जिन्हें कीमत नहीं आजादी के इन मतवालों की। इसीलिए आज एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है आजादी की कीमत। सियाचिन से पूछो, एसी वाले बयान वीरों से नहीं, देश के अन्न पर दुश्मन को प्रसन्न करने वालों की घंटी बजाओ। बीस हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन, जहां चोटियां इतनी ऊंची और मौसम इतना खतरनाक कि सिर्फ देश के पक्के दोस्त या फिर कट्टर दुश्मन ही पहुंच सकते हो। इस वक्त ऐसी ही जगह पर पहुंचकर एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी आज आपको दिखाने जा रही हैं कि -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में दुश्मन की छाती पर मूंग दरने वाली तैयारी हमारे सैनिक कैसे करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए हमारे जवान जैसे जाते हैं, पूरे उसी गेटअप में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हम आपको डेमो के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर किस तरह से हमारे जवान चढ़ते हैं। और ये जो शूज़ मैंने पहन के रखा हुआ है, आपको बताऊं 3 किलो इसका वज़न है। और जैसा कि मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, इसका जो लुक है वो नॉर्मल जो शूज़ होता है उससे किस तरह से अलग है। ये जो आगे की तरफ 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे हम यूं करते हैं बर्फ के अंदर, जिसके बाद ये वहाँ पर पूरी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं और फिर हम ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जाएंगे। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ या हजारों फीट गहरी खाइयां, न पेड़ पौधे, न जानवर, न पक्षी, होता है तो सिर्फ दुश्मन। देश का वो दुश्मन कहाँ होता है आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज आप संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के अनुभव के जरिए समझिए आपकी आजादी की सांस के लिए पहाड़ को कैसे नीचे झुका देते हैं देश के जवान। हम इस ग्लेशियर के जरिए ऊपर चढ़ेंगे। दरअसल ये ट्रेनिंग कैंप है जहां पर हमारे जवानों को ट्रेन किया जाता है। जब वो 18,000 या 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वहां जाने के पहले उनको सियाचिन बेस कैंप में ट्रेन किया जाता है। और इस वक्त अगर मैं इस रूप में आपको नजर आ रही हूं, तो ये सिर्फ बताने के लिए आपको
कि ट्रेनिंग कितनी ज्यादा टफ होती है। -50 डिग्री का पारा, जहां सब कुछ जम जाता है, लेकिन जवानों का जुनून जमाने की ताकत न दुश्मन में न कुदरत में। वहां कुछ ऐसे होती है सियाचिन में तैनाती की ट्रेनिंग। ये आपको बता दें कि तकरीबन 40 फीट ऊंचा ये कि पूरा का पूरा ग्लेशियर है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है हमारे जवानों को, और उसके बाद उनको सियाचिन भेजा जाता है। ये वो सरहद जहां से 1984 से लगातार हमारे जवान मुस्तैद है। दुश्मन के सीने पर जवानों के देशभक्ति के जज्बे वाली हथौड़ी पड़ती है तो अपने आप आतंक की बर्फ टूट कर गिरती है। जवानों की 90 दिन की तैनाती होती है 20,000 फीट ऊंचे सियाचिन में, लेकिन उससे पहले 21 दिन की ट्रेनिंग होती है 12,000 फीट की ऊंचाई पर। सियाचिन ग्लेशियर के लिए सुपर सैनिकों की तैयारी की जा रही है। मेरे ठीक पीछे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये जो सैनिक बैटल स्कूल का अलग अलग इलाका है, वहां पर सैनिकों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो सुपर सैनिक बन जाए और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में जाकर तैनात हो सके। अलग अलग टुकड़ियों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो अगर मैं अपने कैमरा पर्सन वेद प्रकाश से बोलूं, देखिए आधी दूर तक बिल्कुल उस ग्लेशियर पर हमारे ये जवान चढ़ चुके हैं। जो नीचे की तरफ हिस्सा दिखाई दे रहा है ये तकरीबन 80 फीट का है, 80 फीट की ऊंचाई तक ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके अलावा 200 फीट की ऊंचाई तक ऊपर की तरफ चढ़ने की ट्रेनिंग यहाँ पर हमारे सैनिकों को दी जा रही है। और बिल्कुल टॉप पर आप देख पा रहे हैं दो लोग, वहाँ पर दो हमारे सेना के जवान मुस्तैद हैं ताकि वो ट्रेनिंग के लिए इन सभी की मदद कर पाएं। और उसके ठीक दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं लाल रंग का एक झंडा जो इस वक्त हवा की तेज झरोखों के साथ फहराता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक हमारे सैनिक की मौजूदगी है ताकि जो भी सैनिक ऊपर की ओर जाएं वो उनकी मदद कर सकें। हो सकता है कि आपको लगे कि सियाचिन में तो कोई युद्ध अभी नहीं हो रहा, हो सकता है कि आपको लगे यहाँ पर तो दुश्मन भी नहीं आना चाहेगा, हो सकता है कि आपको लगे कि आखिर यहाँ क्या जरूरत है जवानों की तैनाती की। जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि सियाचिन वो जगह है जहाँ दुश्मन एक तरफ नहीं दो तरफ है। ये वो जगह है जहाँ पर एक ओर पाकिस्तान है यानी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भी है जो हर रोज़ हमें आग दिखा रहा है डोकलाम के मुद्दे पर, और हर रोज़ अलग अलग तरह की खबरें चाइनीज़ अखबारों के ज़रिए भी हमारे सामने आती हैं। उस जगह पर खड़े होकर, क्योंकि सियाचिन के एक ओर पाकिस्तान है तो दूसरी ओर अक्साई चीन है, वहां पर खड़े होकर हमारे ये जवान हैं ये मुस्तैद रहते हैं 24 घंटे। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, चाहे बर्फीला तूफान आ जाए, चाहे एवलांच की स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाए, चाहे आप जिस टेंट में ये रहते हैं उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन इनके सामने बस एक ही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य है अपनी जान देकर इस देश की, हिंदुस्तान की, अपने वतन की, भारत की हिफाजत करने का। ऐसे सियाचिन की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए तीन तरह की ट्रेनिंग हमारे जवानों को सियाचिन में तैनात करने से पहले दी जा रही है। ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा है रॉक क्लाइंबिंग या रॉक क्राफ्ट। मेजर पांचाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। मेजर, कैसे ट्रेन करते हैं आप जवानों को? ये हमारा ट्रेनिंग का तीन पार्ट्स हैं बेसिकली, आइसक्राफ्ट ट्रेनिंग, रॉककराफ्ट ट्रेनिंग एंड केज इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग। ये हमारा रॉककराफ्ट ट्रेनिंग का फेज है। यहाँ पे बेसिकली फ्री क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रूट ओपनिंग एंड रॉक फिक्सिंग सिखाई जाती है। अब ये वाली ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? आगे जब ग्लेशियर पे हमारे जवान तैनात होते हैं तो वहाँ पर किस तरह से ये वाली ट्रेनिंग उनको मदद करती है? ग्लेशियर में, ग्लेशियर के अलावा कई सारी चोटियाँ भी होती हैं, सो अगर किसी पीक को या चोटी को नेगोशिएट करना है तो उस समय रॉककराफ्ट ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। किन बातों का ख्याल रखा जाता है इसमें? बेसिकली ख्याल रखा जाता है, सबसे मेजर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे हम इन्हें यही चीज़ें सिखाते हैं कि अगर फ्री क्लाइंबिंग करके एक जवान रूट ओपन कर रहा है तो वो कैसे अपने आप को एंकर करेगा, कैसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेगा एंड कैसे पूरे बाकी जवानों को रूट ओपन करके लेके ऊपर जाए। सियाचिन अगर दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है तो ये जगह दुनिया में सबसे ऊंची बैटल ट्रेनिंग सेंटर है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर देश की रक्षा करने वाले वो कौन से जवान होते हैं जिन्हें सियाचिन भेजा जाता है। इसका जवाब हमने पूछा कर्नल AK शर्मा से।
बटालियन यहाँ पे जो नॉमिनेट की जाती है वो यहाँ पे आती है, उसके बाद उन्हें एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, यानी यहाँ के मौसम के हिसाब से उन्हें अपने आप को डालना पड़ता है। उसके बाद उनका मेडिकल होता है, उनका मेडिकल में यदि वो फिट पाए जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उनकी 21 दिन की ट्रेनिंग की जाती है। उस ट्रेनिंग को समाप्त करने के बाद उनका टेस्ट होता है, यदि वो टेस्ट सक्सेसफुली पास करते हैं तो उन्हें आगे पोस्ट पर भेजा जाता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही जवानों की इस ट्रेनिंग में, इस पहाड़ की ऊंचाई करीब 200 फीट होती है और जवानों को इस ऊंचाई पर मौजूद लाल झंडे तक चढ़ना होता है। ये ट्रेनिंग यहाँ इसलिए खास रहती है ताकि सैनिक सियाचिन पहुंचने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से चट्टान की तरह अडिग हो जाएं। सियाचिन में ग्लेशियर में आप फॉरवर्ड पोस्ट में जाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जिसे हैंडल करने के लिए एक जवान को शारीरिक और मानसिक तरह से पूरी तरह से फिट होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में चेक की जाती हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखलाई भी जाती हैं। और फिर 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सियाचिन में अगले 3 महीने के लिए खून जमा देने वाली सर्दी के बीच दिन रात एक करके खड़ा रहता है देश का जवान, ताकि 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हिंदुस्तान का एक एक नागरिक सुकून से सो सके, आजादी की सांस ले सके। जी हाँ, सियाचिन यानी कि ऐसी जगह जहां इंसान ही नहीं मशीनें भी अपनी क्षमता का महज 1/4 काम कर पाती है। वहां तैनात सैनिकों को अब तक सिर्फ 14,000 रुपए, जी हाँ ठीक सुना आपने, सिर्फ 14,000 रुपए जोखिम भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपए किया गया है। लेकिन कभी आपने क्या किसी सैनिक को प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते देखा, अपना काम छोड़कर हड़ताल पर जाते देखा? नहीं देखा होगा। इसलिए देश के कुछ लोगों के मन में सेना के प्रति कथित मानवाधिकारी प्रदूषण को साफ करने के लिए अब हम उन्हें एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, ताकि उन्हें भी समझ आ सके कि आजादी का मतलब सियाचिन से पूछो, एसी में बैठने वाले बयानवीरों से नहीं। जहां पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से दुश्मन के वार का खतरा, वहां सिर्फ पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग और मौसम को मात देने का रिहर्सल भी सैनिक नहीं करते, बल्कि रोज होती है सैनिकों की ऐसे ही हर पल युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। ये है बोफोर्स तोप, वो तोप जिसने करगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसी बोफोर्स तोप के साथ रोज सियाचिन के बेस कैंप पर होता है दुश्मन के हर वार का जवाब देने का अभ्यास। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बोफोर्स तोप, और यहाँ पर डेमो के जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे इन जवानों की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 तरह की अलग अलग आर्टिलरी का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, और ये देखिए बोफोर्स तोप किस तरह से अब तैयार है, तस्वीरें आपके सामने हैं, और बिल्कुल इसी तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है हर रोज, ताकि अगर सियाचिन ग्लेशियर पर कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम हर मुस्तैदी के साथ तैयार रहें। 360 डिग्री पर ये टर्न करेगा, अभी आप देखेंगे, यानी कि 360 डिग्री पर ये मार गिराने में सक्षम है दुश्मनों को, और यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बोफोर्स तोप जो 360 डिग्री घूमते हुए दुश्मन पर वार कर सकती है, बोफोर्स तोप जिसकी नली 70 डिग्री तक मूव कर सकती है, बोफोर्स तोप जो 30 किलोमीटर तक दुश्मन पर गोला बरसा सकती है, बोफोर्स तोप जिसमें ताकत है बंकर में भी छिपे दुश्मन को छलनी करने की। उसी तोप के साथ सियाचिन के बेस कैंप में सेना के जवान रोज करते हैं ऐसा अभ्यास, ताकि दुश्मन की नजर कभी भी टेढ़ी हो तो उसे सीधा किया जा सके। और कुछ इस तरह 2 और तोपों की तैयारी भी सियाचिन के बेस कैंप पर जवान करते हैं, जिनकी मारक क्षमता 27 किलोमीटर तक है। ये तैयारी होती है शांति के लिए युद्ध के मोर्चे पर हमेशा सजग रहने की।
हालांकि 2003 से सियाचिन में शांति है, लेकिन पीठ पर वार करने वाला चीन और चूहे की तरह छिपकर आने वाला पाकिस्तान कब अपना असली चेहरा दिखा दे, इसलिए भारतीय सेना हमेशा मुस्तैद रहती है। अपना घर, अपना परिवार, अपनी खुशियां, अपना त्योहार छोड़कर पहले देश फिर मैं का भाव रखता है सियाचिन का सैन्य। जगह कितनी भी ठंड क्यों नहीं हो, लेकिन सीने में जब वतन परस्ती की आग धधकती है तो आसमान को भी अपना सर झुकाना पड़ता है। इस वक्त 5 ऐसे जवान मेरे साथ मौजूद हैं जो सियाचिन ग्लेशियर से होकर आ रहे हैं और इन्होंने वहां पर न सिर्फ मौसम को मात दी है बल्कि दुश्मनों पर भी 2400 घंटे हमेशा नजर रखते थे। हमारे साथ गुजेश्वर, आप बताइए कितनी मुश्किलें होती हैं ऊपर? वहाँ मैम मुश्किल तो होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे ठंडी होती है, वहाँ ऑक्सीजन के कम की वजह से वहाँ सांस लेने में मुश्किल होता है। फिर भी ये अपना देश का रक्षा के लिए हम अपना ड्यूटी बखूबी से निभाते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग का भी जरूरी है जो हम यहीं करके जाते हैं। दीवार से जब आप लोग टॉप पे होते हो तो बातचीत हो पाती है क्या? जी मैम, उधर DSPT है तो हर 2-3 दिन के बाद हम घर में कंटेक्ट करते हैं। कितने देर के लिए बात होती है? ज़्यादा तो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। सिर्फ 10 मिनट्स के लिए घर वालों से आप बातचीत करते हैं। जब बातचीत हो रही होती है तो किस तरह के मन में, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल, तो उस समय मन होता है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और एक तरफ परिवार, तो कभी लगता है कि काश हम घर पे होते या फिर हिंदुस्तान की हिफाजत ही सबसे पहले है? सबसे पहले तो अपना देश के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए है हम, उसके बाद नेक्स्ट में आता है अपना फैमिली। बर्फ को देशभक्ति की गर्मी से पिघला देने का ये जुनून ही है जिसके कारण आज आप बेफिक्र होकर आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आज आपके भीतर देश प्रेम की नई धारा जरूर दौड़ने लगी होगी, उसे जगा कर रखिएगा क्योंकि देश का प्रहरी देशवासियों के प्रेम के दम पर ही सियाचिन में लड़ता है, दुश्मनों से भी, हड्डियां गला देने वाली सर्दी से भी। पर आप भी अपने सैनिक के सम्मान के लिए बजाइए घंटी उन लोगों की जो खाते हैं देश की, बजाते हैं दुश्मन की। ये है ABP News, आपको रखे आगे।